सुप्रभात हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य बने अर्जुन अवार्डी शिवा केशवन। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के पहले ल्यूज खिलाड़ी रहे अर्जुन अवार्डी शिवा केशवन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य बने हैं। 10 सदस्यों की टीम में उन्हें शामिल किया गया है। मनाली के वशिष्ठ निवासी शिवा की नियुक्ति से मनाली में खुशी का माहौल है। शिवा 6 बार ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के पहले ल्यूज खिलाड़ी रहे हैं। वहीं शिवा की नियुक्ति से शीतकालीन खेलों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शिवा ने संपर्क करने पर बताया कि वो देश में सभी शीतकालीन खेलों से जुड़े मुद्दों को उच्च स्तर तक उठाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिवा ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय में खिलाड़ियों की आवाज बनने का वो प्रयास करेंगे। मंडी में नकली बोतल बंद पानी बनाने वाले दो उद्योगों का पर्दाफाश, भारतीय मानक ब्यूरो ने दी दबिश। भारतीय मानक ब्यूरो के हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में छापा मारकर नकली बोतल बंद पानी का उत्पादन करने वाले दो उद्योगों का पर्दाफाश किया है। उत्पादकों पर आरोप है कि BIS एक्ट 2016 और FSSAI एक्ट की अवहेलना कर बोतल बंद पानी बनाया जा रहा था। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतल बंद पानी का उत्पादन और बिक्री अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। VIP नंबर पर हाईकोर्ट ने पूछा, ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य है जो इन नंबरों के बिना नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने VIP कल्चर पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकारी गाड़ियों में VIP नंबर लगाने पर मुख्य सचिव CS से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि आम लोगों के टैक्स के पैसों से अधिकारियों का VIP नंबर खरीदने का क्या औचित्य है और ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य है जो इसके बिना नहीं हो सकता। अदालत ने यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर तक तलब की है। वहीं न्यायाधीश गोयल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत यह समझने में विफल है कि 001 से 009 तक के नंबरों के बारे में इतना खास क्या है कि इसके बिना सरकार का वाहन नहीं चल सकता। यदि नंबरों को सरकार के लिए ही आरक्षित रखने के पीछे सरकारी खजाने को समृद्ध करने की मंशा है तो उस स्थिति में सरकार टैक्स के पैसों से सरकारी वाहनों में पसंदीदा नंबर नहीं लगा सकती है। सहकारी सभा के सचिव प्रधान समेत 5 पर 74 लाख के गबन का केस। बहुचर्चित नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा समिति में करीब 74 लाख रुपए की जमा पूंजी के गबन मामले में विजिलेंस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों में सभा के सचिव धीरज कुमार, प्रबंधक कमेटी के प्रधान रघुवीर सिंह, उप प्रधान इकबाल सिंह, कोषाध्यक्ष योगराज व शशिपाल शामिल हैं। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारियां भी संभव है। सहकारी सभा के ऋण व खाता धारकों और ग्रामीणों ने मिलकर संघर्ष कमेटी के माध्यम से सहायक पंजीक विभाग के पास शिकायत सौंपी थी। वहीं शिकायत से पूर्व विभागीय कार्रवाई में सभा के सचिव धीरज कुमार को बर्खास्त भी किया जा चुका है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया जवाब। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मिले नोटिस का जवाब स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा निदेशक को भेज दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष पर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की बैठक में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन्हें उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से कारण बताओ नोटिस बुधवार को जारी किया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष को 2 दिन में जवाब देने को कहा गया था। वहीं नोटिस में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी को बताया गया कि शिक्षा विभाग को उनके खिलाफ एक शिकायत मिली है। शिकायत में उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने घुमारवी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में आयोजित एक राजनीतिक बैठक में भाग लिया। एक सरकारी संस्थान से जुड़े होने के नाते यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन पर ही लगेगी शिक्षकों की हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले सप्ताह से सभी शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन पर ही लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट की ओर से शिक्षा विभाग को लेकर की गई तलख टिप्पणी के बाद शिक्षा निदेशालय ने पुराने आदेशों को फिर से सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों में मशीनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने को कहा गया है। NHM के 983 पदों को भरने के लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने निर्वाचन विभाग से मांगी मंजूरी।
हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विभिन्न श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने राज्य निर्वाचन विभाग से मंजूरी मांगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते यह मामला लटका हुआ है। विभाग NHM के तहत इन पदों को भरने की तैयारी में है। यह भर्तियां अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के माध्यम से करवाई जानी है। वहीं भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। 25 को दिल्ली जाएंगे CM जयराम ठाकुर, बजट पूर्व बैठक में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 25 नवंबर को बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। वहीं नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें वो बतौर वित्त मंत्री शामिल होंगे क्योंकि प्रदेश में वित्त विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय 25 नवंबर को अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगा। इस संबंध में हिमाचल से संबंधित सुझाव लेगा। वहीं CM जयराम ठाकुर के इस प्रस्तावित दिल्ली दौरे के लिए चुनाव आयोग से उनके दिल्ली जाने और सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई है। यह अनुमति मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मांगी है। वित्त मंत्रालय के विभिन्न हितधारकों और राज्यों के अन्य मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठकों का यह दौर 21 नवंबर से शुरू होगा। दिसंबर में होंगी HBU की PG डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की दिसंबर माह में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय तय नियमों के तहत लेट फीस लेगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी की ओर से परीक्षा संबंधित जारी की गई अधिसूचना के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कोर्स के अलावा LLB, MTTM और BHM डिग्री कोर्स के तीसरे, पांचवें, सातवें सेमेस्टर की नियमित और पहले, दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की रीअपेयर परीक्षाएं दिसंबर माह में शुरू होंगी। विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इकडोल के PG डिग्री डिप्लोमा कोर्स के जनवरी बैच की परीक्षाएं भी दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप HBU की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन के सैंपल फेल, CDL कसौली में हुई जांच, बाजार में नहीं आएगी। देश में कोरोना की वैक्सीन के 2 सैंपल फेल हो गए हैं। सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी CDL कसौली ने वैक्सीन के संबंधित बैच बाजार में उतारने पर रोक लगा दी है। वैक्सीन के सैंपल CDL कसौली में जांच के दौरान वैक्सीन मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। सैंपल फेल होने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। कंपनी को वैक्सीन के सैंपल फेल होने के बाद नोटिस जारी कर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 5 सैंपल फेल हो चुके हैं, जिन्हें CDL ने ग्रीन टिक नहीं दिया है। प्री प्राइमरी शिक्षकों को 9,500 रुपये मिलेगा वेतन, जिला स्तर पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों को प्रतिमाह 9,500 रुपये वेतन मिलेगा। जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। संभावित है कि मतगणना के बाद ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वहीं जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी थी। भर्ती के लिए नियम तैयार होने तक आउटसोर्स आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से नियुक्तियां करने का फैसला लिया था। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए कॉरपोरेशन को पत्र भेजा गया था। कॉरपोरेशन ने वेतन सहित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।